Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. So if you like our video, do share with your friends and do not forget to follow us on our social media like Facebook and Instagram pages. तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस एग्जामिनेशन जो हमने आपका लिया था, जिसमें हमने आपको केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन दिए थे. उन क्वेश्चंस को हम जो हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक उसे अटेम्प्ट नहीं किया, जरूर अटेम्प्ट कीजिए. ऐसे अभी हमें जो है वो शो होता है कि इतने स्टूडेंट्स ने कोई पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, इतनों ने नहीं किया है. तो जिन्होंने एनरोल किया है अभी तक उसमें अटेम्प्ट नहीं किया है, मे बी वो अभी कोई पुराना टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टाइम नहीं मिला होगा. बट जितना जल्दी हो सके जो है वो अटेम्प्ट कर लीजिए. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का टेस्ट. तो यहाँ पर मैं एक और बात बोलता हूँ, जैसे कि SSC जो है उसके नोटिस आ गया, उसकी वैकेंसीज जो है वो आ गई है, उसका सिलेबस भी जो है वो आपका जो JKSSB का सिलेबस है वैसा ही मिलता हुआ, उसका भी सिलेबस है, हर कोई टॉपिक जो है वो मिलते ही है उसमें. तो अब जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो SSC के ही नाम से जो है वो बनेगी, SSC स्टेनोग्राफर के नाम से. तो वो आपके टॉपिक जो है उसमें कॉमन है और एक ही चीज़ है पढ़ने के लिए दोनों को, तो आप जो है उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं. तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द जिंक. तो सबसे पहले आपको जो है जिंक का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और फिर ही आप बोल सकते हैं बाकियों के एटॉमिक नंबर भी. तो बेसिकली ये सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा गया ये एटॉमिक नंबर से पूछा गया है कि आपको जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था आपको उसमें जो है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए. तो आप में से ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक वो पीरियोडिक टेबल की वीडियो जो है वो नहीं देखी, तो आप जरूर देख लीजिए. ठीक है, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें जो है बाहर से उसका नाम नहीं लिखते हैं. जैसे हमने फिजिक्स में साउंड का चैप्टर अपलोड किया तो बाहर से साउंड नहीं लिखते हैं, लाइट का क्या लाइट नहीं लिखा उसमें. ठीक है, तो आपको जो है हर वीडियो देखनी ही है तो उसमें आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो है कॉपर, आयरन, क्रोमियम और ब्रोमीन, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का जो होता है 35 एटॉमिक नंबर होता है और जिंक का जो होता है वो 30 होता है. तो कॉपर जो है यहाँ पर हमारे पास आयरन एंड क्रोमियम जो है, कॉपर का 29 होता है, आयरन का 26 होता है, क्रोमियम का 24 होता है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस विच कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर. तो हमारे पास जो है वो गैसेस कुछ दी गई और ये पूछा गया इनमें से कौन सी वो गैस है जो ओजोन लेयर को क्या करती है, डिप्लीट करती है. ठीक है, तो ओजोन लेयर पे जो है वो एक वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं पूरी की पूरी. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हमारे पास ये है आर्सेनिक हाइड्राइड, नाइट्रोजन और H2O वाटर दिया गया है. तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है. नाइट्रस ऑक्साइड जो हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर. सो ए न्यू स्टडी सजेस्ट दैट नाइट्रस ऑक्साइड इमिशंस करंटली इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस. तो ये याद रखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड को माना जा रहा है सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस इमिशन एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द लार्जेस्ट थ्रू आउट द 21st सेंचुरी. और ये पूरी 21वीं सदी में जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट ये लार्जेस्ट ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस रहेगा. तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम हम आप केमिकल कंपाउंड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसे लाफिंग गैस भी कहते हैं. ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला N2O है. तो ये N2O जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये नीचे 2 होता है और ऊपर O होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइपिंग हुई इसमें मेरे को आता नहीं था ये लिखने नीचे, क्योंकि ये PPT पे ठीक है, तो इसकी वजह से जो है मैंने आगे ही लिख दिया है, तो ये आप इग्नोर करेंगे. अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन इज पॉइजनस. तो ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्ट तो धुआं निकलता है, तो इनमें से कौन सी वो गैस है जो उसमें से निकलती है और वो पॉइजनस भी है. तो वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है मैग्नेटाइटिस इज एन ओर और मिनरल ऑफ. तो मैग्नेटाइटिस जो है वो किसका ओर है या किसका मिनरल है, तो वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आयरन होगा, Fe आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe3O4. ठीक है, तो इसी का जो है वो मिनरल है.
So it is the most commonly mined ore of iron. It is also the mineral with the highest ore content. ये वो मिनरल है जिसके अंदर जो है वो हाईएस्ट जो है आयरन का कंटेंट पाया जाता है. कितना इसके अंदर आयरन मिलता है अगर कभी पूछा जाए, 72.4% जो है इसमें वो आयरन मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आइसोबार्स है. तो मैंने ऑलरेडी जो है आपको केमिस्ट्री के रिवीजन मॉड्यूल में भी ये चीजें दी है कि आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है. तो आइसोबार क्या होता है, ऐसे एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए ही होगा. तो आइसोबार वो एटम होते हैं लेकिन ये जो एटम होते हैं वो डिफरेंट जो है वो केमिकल एलिमेंट के होते हैं, डेट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स. तो इसके अंदर मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि एलिमेंट ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं आइसोबार जो है एटॉमिक नंबर में जो है वो उसमें डिफरेंस होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बट उनका जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है. अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ने वाले हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पर जो पूछा गया लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन दिए गए एलिमेंट में से, ये जो हमारे पास सोडियम, टिन, रेडान और रेडियम एलिमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि सबसे लोवेस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट किसका है. तो मेल्टिंग पॉइंट जो लोवेस्ट है वो रेडान का है और कितना है ये भी याद रखेंगे, -71.15 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड है. ये जीरो नहीं है बल्कि ये जीरो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम की अगर हम बात करेंगे ये 97.79 है, टिन की अगर हम बात करेंगे 231.9 है, ये डिग्री है. ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट रेडियम की बात करेंगे ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, 696. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा रेडान होगा, रेडान का जो है वो नेगेटिव में मेल्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ पर लोवेस्ट पूछा, आपको हाईएस्ट भी पूछा जाता है. तो एक जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द नेल पॉलिश रिमूवर. जो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसके अंदर जो है क्या चीज प्रेजेंट होती है, सिट्रिक एसिड, एसीटोन, इथाइलिन और बेंजीन. और करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एसीटोन होता है. तो एसीटोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द जेल पॉलिश, उसे हम जेल पॉलिश भी कहते हैं क्योंकि जेल पॉलिश जो होती है लॉन्ग लास्टिंग वैरायटी ऑफ नेल पॉलिश ही है, मेड अप ऑफ टाइप ऑफ इसके अंदर जो होता है मेथा काइरेलेट पॉलीमर है. ठीक है, तो जेल पॉलिश जो होती है इट कैन बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन द रेगुलर नेल पॉलिश. जेल पॉलिश को जो है रेगुलर नेल पॉलिश से जो है वो मुश्किल होता है रिमूव करना. इट इज यूजली जेंटली पुश्ड ऑफ फ्रॉम द सोकिंग द नेल्स इन प्योर एसीटोन. तो इसको रिमूव करने के लिए जो है नेल्स को जो है एसीटोन के सोल्यूशन में जो है वो डाला जाता है, 10 से 15 मिनट तक जो है वहां पर नेल्स को रखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, हैवी वाटर इज. हैवी वाटर जो है वो हम सभी जानते हैं हैवी वाटर क्या होता है. हैवी वाटर इज बेसिकली द ड्यूटेरियम ऑक्साइड. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा. यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, हैवी वाटर इज द ड्यूटेरियम ऑक्साइड. सो इट इज अ वाटर इन विच द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द आइसोटोप ऑफ द ड्यूटेरियम हैविंग अ मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इज यूज्ड मोस्टली एज अ मॉडरेटर. तो याद रखेंगे हैवी वाटर को जो है एज अ मॉडरेटर भी जो है यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में टू स्लो डाउन द फिजन रिएक्शन. और मॉडरेटर का नाम काम क्या है कि यहाँ पर जो है वो फिजन रिएक्शन जो होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसको ये स्लो डाउन करता है. तो हैवी वाटर जो है उसको हम एज अ मॉडरेटर भी जो है वो यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 होगा, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं चार एलिमेंट, गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक और सीजियम, इन एलिमेंट से जो है इनमें देखना है कि किसकी जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास उनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आर्सेनिक होगा. तो आर्सेनिक जो है इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 21.18. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर द ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और हमने जो है केमिस्ट्री के रिवीजन मॉड्यूल में जो है ये जो है अच्छे से जो है वो डिस्कस किया हुआ है.
और जितनी ज़्यादा जो होती है टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उतनी ही ज़्यादा जो है क्या होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जो हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है नेम्ब एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, लेमन में जो है वो कौन सा एसिड जो है होता है, और लेमन में हम जानते हैं सिट्रिक एसिड होता है, जितने भी हमारे जो है वो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ठीक है, तो उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और ये हमने अपने केमिस्ट्री के मॉड्यूल में सारी चीज़ें जो है वो शायद लिखी हुई है ठीक है, इससे पहले भी जो क्वेश्चन था वो भी जो है सारी चीजें हमने उसमें मेंशन की हुई है। सो एसिड प्रेजेंट इन द लेमन में जो प्रेजेंट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, सो इट इज मेनली प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट एंड इट वर्क्स एंड इट इज वार्क ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बात याद रखेंगे, वार्क ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। सो इट इज प्रेजेंट इन लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 11 है बॉक्साइट, बॉक्साइट बेसिकली एक ओर है और मिनरल है, किसका और होता है बॉक्साइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका याद रखेंगे, जो है अल्मोनियम का और होता है बॉक्साइट, सो बॉक्साइट और इज द वर्ल्ड्स प्राइमरी सोर्स ऑफ अल्मोनियम। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ग्रीन कलर टू द गिलास। देखिए जो गिलास होता है ठीक है, गिलास शीशा जो होता है आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी जो है वो आते हैं, तो कौन किस वजह से जो है इसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीन कलर जो गिलास में होता है किस वजह से होता है, हम इसमें क्या चीज ऐड करते हैं, इसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ऐड करते हैं, सो क्रोमियम इट इज व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड इज एडिड टू द गिलास दैट ग्रीन कलर अपीयर, तो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के ऐड करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से बेसिकली क्वेश्चन है, डायनामाइट वॉज इन्वेंटेड बाय, डायनामाइट को जो है इन्वेंट जो है वो किसने किया है ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा इजी से क्वेश्चन है, और हम सभी जानते हैं डायनामाइट को इन्वेंट करने वाले कौन है, अल्फ्रेड नोबल है ठीक है, तो इसी को इनको इसी इन्हीं के नाम पे फिर पीस प्राइज जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 होगा सोडा वाटर वाज इन्वेंटेड बाई, तो सोडा वाटर जो है उसको इन्वेंट करने वाले कौन है, जोसेफ प्रिस्टली है, तो याद रखेंगे सोडा वाटर को इन्वेंट किसने किया है, जोसेफ प्रिस्टली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप ऑफ द मैच स्टिक इज अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द मैच स्टिक, आपके घर में माचिस होती है, माचिस आपने देखी, और माचिस के ऊपर जो जो है वो केमिकल लगाया जाता है, जो अप्लाई किया जाता है ठीक है, तो वो क्या केमिकल होता है, तो ये आपको जो है जनरल नॉलेज में वैसे भी पता होना चाहिए, और केमिस्ट्री की जो है जनरल जो है काफी अच्छे क्वेश्चन भी माने जाते हैं, ये जो है जनरली वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोरेट होता है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। सो द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस इज मेड अप ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है, मिक्सड विद द, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, इसे मिक्स्ड करते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ और कोई भी फिलर एंड ए गैस पाउडर ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया है, तो हमारे पास इसमें दो नाम आते हैं, एक हमारे पास जो है जोसेफ प्रेस्टली और साथ में हमारे पास कार्ल सीचेल्स आते हैं, तो ये जो है जिन्होंने जो है वो ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है, तो यहीं पर पढ़ेंगे हु डिस्कवर्ड द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का डिस्काउट करने वाले कौन है, रदरफोर्ड है, डिस्काउट नाइट्रोजन। ये वो क्वेश्चन है जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आए हुए हैं ठीक है, तो हम यहाँ पर वही क्वेश्चन जो है वो आपको जो है टेस्ट में देते हैं ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन आप कम ही अटेम्प्ट करें बट जो है क्वेश्चन है वो अच्छे होने चाहिए, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे रदरफोर्ड ने डिस्कवर की नाइट्रोजन इन 1772। अब क्वेश्चन जो है हमारे केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से कुछ आ रहे हैं, एनाल्जेसिक क्या होता है, देखिए एक एनाल्जेसिक जो है हमारे पास, हम मैंने ये केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में ये सारा चीजें जो है वो पढ़ाई भी है, आप देख सकते हैं वो वीडियोज मेरी बेसिकली वो अकाउंट्स के लिए था, तो एन एनाल्जेसिक और ए पेन किलर इज ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर डेजिग्नेटेड टू रिलीव द पेन विदाउट कॉजिंग द लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, तो एनाल्जेसिक जो होती है ये क्या काम करती है, ये बेसिकली जो है वो पेन किलर ही होती है, जो कि रिलीव करती है पेन
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी हिस्टामाइन। तो एंटी हिस्टामाइन कौन सा ड्रग जो है वो यूज होगा, ठीक है, तो वो कौन सा होगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोमीथाजीन जो है वो यूज होता है एज एन एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। ये बेसिकली जो है फिनेरिजान जो है वो है एंटी हिस्टामाइन जो होते हैं वो सीडीटूस भी होते हैं, ये भी हमने जो है उस पर वीडियो अपलोड की हुई है। तो आज का जो है वो आखिरी क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस सोरिंग ऑफ द मिल्क। तो इनमें से कौन जो है वो इंड्यूस करता है सोरिंग ऑफ द मिल्क, तो वो हम सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड। ये जो है आप बचपन से सुना होगा ये क्वेश्चन, सोरिंग ऑफ द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिडिफिकेशन ऑफ द मिल्क, और लैक्टिक एसिड जो होता है कॉमनली यूज क्या है होता है एज एन एसिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम, सोर्ड मिल्क डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ एन एसिड विद और विदाउट द एडिशन ऑफ द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म इज मोर स्पेसिफिकली कॉल्ड द एसिडिफाइड मिल्क, और एसिडिफाइड मिल्क के लिए जो है लैक्टिक एसिड का जो है वो यूज होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो अपने 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप जो है अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, हम आपको वही प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप हमारे होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस पे जो आप जो है वो एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिए किस टाइप की वहाँ पर पोस्ट होती है। तो वो सारी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो है वो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही होता है, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं हम डालते हैं उन पेजेस पे कि आप जो है मतलब तो कोई फेक हो या कोई नोटिस हो तो फिर उनको आप शेयर करते रहे, बस जो है आपके एग्जाम रिलेटेड ही जो है वो कंटेंट होता है। तो आप जो है एक बार विजिट करके जो है वो जरूर देख लीजिए। तो आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है फेक नोटिसेस भी जो है वो निकाले जा रहे हैं, बेसिकली कौन निकालता है जो बाद में उसके लिए रिलेटेड फिर वीडियोस बनाते हैं कि देख लीजिए कि ये डेट निकली, पहले वो वायरल करते हैं वो मैसेजेस और फिर बाद में उस पर वीडियो बनाते हैं कि उनको कोई टॉपिक मिल जाए उनको फिर वीडियो के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचे, जो भी आपको नोटिस चेक करना होगा वो अपने फिर अपने जो है वो SSB JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो चेक करेंगे आप नोटिस, और कोई भी ऑफिशियल होगा तो आप जो ब्रांडेड न्यूज़पेपर आते हैं एक्सेलशियर आता है ग्रेटर कश्मीर आता है, ठीक है, इन पे जो है वो शेयर हो जाते हैं, और हम भी जो है वो जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा कोई नोटिस जो हम फिर शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो है आप उन चीज़ों से बचें और अपनी जो है प्रिपरेशन जारी रखें। तो अब जो भी वीडियोस होगी वो SSC के नाम से जो है वो अपलोड की जाएगी, आप जो है उससे भी ज़रूर जो है फ़ायदा लीजिए, क्योंकि सिलेबस कॉमन है, वही टॉपिक आपके भी और वही टॉपिक जो है उनके भी है, तो हम उसी में जो है बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।